हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? टुडे आई एम गोइंग टू से माय नाइट रूटीन। सो विदाउट एनी फर्दर डू इट, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीकेंड काफ़ी थकान और भागदौड़ वाले होते हैं, ऐसे में काम और घर के बीच रसोई में काफ़ी टाइम बिताना एक सपने जैसा लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि रसोई हर घर का दिल होता है और हमें अपना खाना और शरीर के लिए एनर्जी वहीं से मिलती है, इसलिए हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो लोग खाना बनाना पसंद करते हैं उनके लिए यह किसी स्टूडियो से कम नहीं होता है। यहाँ पर वो लोग अलग अलग तरह का खाना बनाते हैं और उसमें नए इन्वेंशन भी करते हैं। लेकिन अगर आप थकान के चलते ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आज हम आपको ऐसे कुछ किचन हैक्स और टिप्स बताएंगे जिससे आप किचन में कम समय बिताकर भी अपना पसंदीदा खाना बना पाएंगे। यह किचन हैक्स न केवल आपके किचन में समय बचाने में मदद करेंगे बल्कि आपको एक प्रोफेशनल की तरह काम करने में भी मदद करेंगे। आइए आपको कुछ पसंदीदा हैक्स बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करना पसंद करेंगे। खाना बनाते वक्त इन आम गलतियों को करने से बचे भोजन में मिलेगा भरपूर स्वाद। क्या बनाना है पहले से प्लान कर ले। आप सभी इस बात से सहमत होंगे, खाने में क्या बनाना है एक ऐसा डिस्कशन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा समय और एनर्जी लगती है, इसलिए अपने आप पूरे सप्ताह के मील को प्लान कर ले। इससे आपको खाना बनाने में आसानी भी होगी और आपका समय भी बचेगा। खाना बनाने के से पहले चीज़ों को धोना, सुखाना, फिर काटना काफ़ी टाइम टेकिंग थका देने वाला और बोरिंग होता हो सकता है। यह वह जगह है जहाँ स्मार्ट किचन गैजेट्स आपके बचाव में आते हैं। ऑटो, हेलीकॉप्टर, फूड प्रोसेसर ऐसे गैजेट्स हैं जो आपका समय बचाने में मदद करते हैं बल्कि आपके काम को और आसान बनाते हैं। जब भी आप ज़्यादा थकान महसूस करें तो खाने की ऐसी चीज़ों को चुनाव करें जो वन पॉट मील हो, मतलब एक बर्तन में ही खाना तैयार, जैसे स्टू, पुलाव रेसिपी आदि। न केवल बनाने में आसान है बल्कि इनको बनाने में समय और मेहनत भी कम लगती है। जब आप अपने मील को पहले से प्लान कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि कब बनाना है, किस लिए। आप अपनी सब्जियों को, फलों और अन्य सामग्रियों को पहले से ही धोकर काट लें और उन्हें रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें। इससे आपको तैयार करने में लगने वाला समय बचेगा। रेफ्रिजरेटर की वजह से आज के समय में आप खाना बनाकर उसे स्टोर कर सकते हैं, तो आप भी समय बचाने के लिए एक बार में काफ़ी खाना बनाकर उसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इससे आपका खाना पकाने का समय बच सकता है और आपको बाहर का खाना खाने में मदद मिल सकती है। मल्टीटास्किंग सिर्फ खाना बनाने ही नहीं बल्कि लाइफ के कई पड़ावों पर अहम भूमिका निभाती हैं, तो आप भी खाना बनाते समय मल्टीटास्किंग करें। जैसे आप वो सब्जी को पकने के लिए रख रहे हैं तो उस टाइम में आप आटा लगाकर रोटी और चावल बनाने के लिए रख दें, ये मल्टीटास्किंग का समय बचेगा और ये मल्टीटास्किंग होगी। गंदी रसोई में काम करने का मन नहीं होता है, इसलिए हम सलाह देते हैं कि खाना बनाते समय फैलने वाली गंदगी तुरंत साफ कर दें। ऐसा करने से आपके पास समय और काम कम होगा, साथ ही साथ चीज़ें साफ होती रहेगी तो बात के लिए भी काम कम बचेगा। कई बार ऐसा होता है कि खाना बच जाता है, ऐसे में आप उसे स्टोर करके रख देते हैं तो आप इस स्टोर के किए हुए खाने से भी कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। इससे किचन में आपका काफ़ी समय भी बच जाएगा। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने किचन को व्यवस्थित रखें, हर सामान को ठीक से स्टोर करें, पैकेट पर लेबल लगाएं और सही जगह पर रखें। ये खाना बनाते समय चीज़ों की तलाश करने वाले समय को बचाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर करना।